प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। देखती हूँ तब मुझे लगता है कि आधा जग तो हम यहीं पे जीत चुके हैं। मुझे बहुत इस बात की बहुत गर्व है कि इस देश की मुसलमान महिलाएं आगे सड़कों पे आके सबसे आगे की कतार में इस ऐतिहासिक लड़ाई को लड़ रही है। ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, आजादी के बाद ये सबसे बड़ी आंदोलन आज इस पूरे देश को लड़ी जा रही है और मुसलमान महिलाएं उसको लीड कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है और यही बात सबसे ज्यादा चुभता है, इन लोगों को सबसे ज्यादा चुभता है, ये मोदी योगी के मतलब आंखों में सबसे ज्यादा चुभता है। वो समझ नहीं पाते कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें, इसको कैसे बताएं, क्योंकि वो जो नैरेटिव बता रहे थे अपने इतने दिनों से कि मुसलमान महिलाएं बहुत लाचार है, बहुत बेबस है, उसका तो उनको तो बात ही नहीं कर पाती है, वो तो अपने घरों में दबी रहती है और मुसलमान मर्द जो है वो उसके ऊपर इतने सारे अत्याचार ढहते रहते हैं और वो कभी आवाज भी नहीं उठा पाती है। वही महिलाएं आज पूरे देश की आवाज बन गया है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है और उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है। इसीलिए भी ये जंग हम आधा जीत चुके हैं क्योंकि हम उसको पूरी तरीके से डरा दिए। हर बार वो क्या करते थे कि वो कुछ करते हैं, हम बस उसको रिएक्ट करते थे, लेकिन इस बार हमने उसका खेल समझ गए। हम समझ गए कि CAA सिर्फ CAA नहीं, वो NRC और NPR के साथ आता है। हम समझ गए कि उसका ये पूरा पैकेज में आता है। हम समझ गए कि इसमें बहुत बड़ा साजिश है, बहुत सारे लोगों को बेघर करने का, उसका नागरिकता छीनने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये होने से पहले ही हम समझ गए, इसीलिए वो अभी चिल्ला रहे हैं ना, हर जगह जगह जाके बोल रहे हैं हम तो कहीं बात ही नहीं किए, हम तो NRC का बात ही नहीं किए, ये सब कहां से आ गए, कोई बाहर नहीं जाएगा। भाई आप पे विश्वास हम नहीं करते, आप जैसे दंगाइयों पे हम विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं कि आप देश बांटने के लिए ही हो, दंगा फैलाने के लिए ही हो, ये आपकी एक और कोशिश थी जिसको हम शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दिए। अब हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये पूरी तरीके से रोल बैक नहीं है। ये जो हम उसको एक्सपोज कर दिए है यही उनकी पहला नाकामी है और हमारा जीत है कि हम समझ गए ये ऐसे नहीं होगा कि 8 बजे आके टीवी में बोलेंगे कि मित्रों 12 बजे से नोटबंदी, बस सबका सबका जमा पूंजी खत्म, सबका छोटे कारोबारियों का कारोबार खत्म, लोगों का नौकरी खत्म, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं और हम बस देखते रह गए थे। नोटबंदी के टाइम इससे आगे और तो कुछ कर नहीं पाए ना, 100 लोगों की जान चली गई, हम कुछ कर नहीं पाए। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को, खबरों के लिए बने रहें।